नमस्कार, गुड इवनिंग। आरोग्य भारत में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मोटापे यानी ओबेसिटी के बारे में कि उसका असर गर्भवती महिलाओं यानी प्रेग्नेंट वेमेन पर किस तरह से पड़ता है, क्योंकि भारत में हर पांचवी महिला मोटापे का शिकार है। मोटापा असल में है क्या? अगले एक घंटे हम इसके बारे में बातचीत करेंगे, अपने एक्सपर्ट्स के बारे में उनकी राय जानेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। अधिकतर लोग चाट, पकौड़े, फ्राइज, पिज्जा, बर्गर्स इत्यादि खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर किस प्रकार पड़ता है? अधिक मात्रा में तेल या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स व मीठा खाने से हम मोटापे यानी कि ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं। We have a problem of both under nutrition as well as over nutrition, that is obesity. And every fifth woman has an obesity or you know, having under nutrition. Well, obesity is basically defined as an excessive amount of fat in the body. Both, whether you have excessive generalized fat or on the, you know, certain parts of the body, determine the risk to many, many diseases, which start from as simple as, you know, diabetes and heart disease and hypertension, gallbladder disease, arthritis, to many, many more. गर्भावस्था में मोटापा होने से गर्भवती महिला और उसके होने वाले बच्चे को खतरा हो सकता है। शोध से पता चला है कि भारत में हर पांचवी महिला मोटापे का शिकार है। यदि यह महिला गर्भवती होती है तो इसे अपने गर्भावस्था में कई शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ज्यादा मोटापे में ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और ये प्रॉब्लम्स ये हो जाती हैं, शक्कर की बीमारी, मधुमेह की, ब्लड प्रेशर या लिपिड्स ज्यादा है, या लेबर में भी डिफिकल्टी होती है, वो पूरी तरह से पुश नहीं कर सकती है, या डिफिकल्ट लेबर है और असिस्टेड डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है इन माओं में। मुझे दिक्कत ये होती है चलने से, जीना चलूँ या ज़्यादा कुछ नेक भी थोड़ा चल लूँ, दुकान से कुछ सामान लेने जाऊँ तो मैं हाफ जाती, मेरी सांस चलने लगती हैं, सांस फूल जाता है। अभी परेशानी हो रही है प्रेगनेंसी में, पहले नहीं थी ऐसे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गर्भावस्था में पौष्टिक आहार और व्यायाम करना गर्भवती महिला और उसके होने वाले बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है। उचित मात्रा में हरे पत्ते वाली सब्जियां, फल और जो ग्रेन्स होते हैं इनका सेवन हो। हाई फैट, हाई शुगर और हाई सॉल्ट, इन चीज़ों का सेवन कम किया जाए। इनसे वजन भी बढ़ सकता है और भी तकलीफ हो सकती है। एक्सरसाइज अगर करते रहें रेगुलरली तो जो डिलीवरी के समय महिला को उसमें आसानी होती है। किसी भी प्रकार का व्यायाम जैसे सैर करना या योग करना मानसिक तनाव को कम करने में और शरीर को फिट और तंदुरुस्त रखने में मदद करता है। हर गर्भवती महिला को दिन में 20 से 25 मिनट व्यायाम करना चाहिए, लेकिन यदि उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही हो या पेट या कमर में दर्द या चक्कर आ रहे हो तो उसे कुछ समय के लिए व्यायाम रोक देना चाहिए और अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। You need to start getting fit before you conceive. It's not something that you start after you conceive. So start exercising before so that your body is used to it. Don't try something new once you've conceived. Be active, eat the right kind of food and nutrition and keep yourself hydrated while you are pregnant. Yoga and exercising is the best thing to do when you are in this particular stage of your life. तो इस रिपोर्ट के ज़रिए हमने जाना कि पोषक तत्वों से भरा भोजन, एक अच्छी डाइट और एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, और
किस चीज़ों का वो ध्यान रखे जिससे मोटापा उनके शरीर में घर ना करे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं पैनल एक्सपर्ट्स, पूरी तरह से आपका परिचय कराते हैं और जानेंगे कि अगर मोटापा जब आ जाता है प्रेग्नेंट वुमेन के साथ जुड़ जाता है तो कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल मनचंदा जो हैं कंसल्टेंट एंड हेड गायनी एंडोस्कोपिक सर्जन PSRI हॉस्पिटल से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदिता पालशेतकर जो हैं प्रेसिडेंट फॉक्सी की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीषा सबरवाल जो हैं हेड डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन लेडी इरविन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर मनचंदा, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, बात हो रही है महिलाओं की और उनके मोटापे की, किस तरह से आपके पास कुछ केसेस आते हैं ऐसे जहां आपको लगता है कि महिलाएं अपना ध्यान नहीं रखती हैं जबकि घर का पूरा ख्याल रखती हैं? आपने जो सवाल उठाया बहुत अच्छा उठाया, और महिलाएं को तो ध्यान रखना ही चाहिए बट पूरे परिवार को उनका ध्यान रखना चाहिए। और वही मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि हम लोग महिलाएं जो होती हैं वो पहले हस्बैंड को देखती हैं, पहले पूरी परिवार को देखती हैं और फिर एंड में अपने आप को देखती हैं, मगर ये एक्चुअली रिवर्स में होना चाहिए। और वो इस वजह से है क्योंकि अगर महिलाओं को कोई प्रॉब्लम हो, खासकर न्यूट्रिशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो फिर पूरा घर उलट पुलट हो जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपना ध्यान रखें, और जो सारे मेल्स जो आदमी सुन रहे हैं ये उनको देखने की ज़रूरत है कि वो ज़रूर घर की महिलाओं का बहुत ध्यान रखें, और ख़ासकर उनके खाने पीने में और पोषण में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना। बिल्कुल डॉक्टर नंदिता, आपसे जानना चाहेंगे, मोटापे की जब बात होती है तो कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और आप तो इतने सालों से फॉक्सी के साथ जुड़ी हुई हैं और पूरा एक पैनल आपने बनाया है कि किस तरह से महिलाएँ अपना ख्याल रखें। आई थिंक अगर आप सोचो तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में से बोलते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि आज की लाइफस्टाइल बदल गई है, यू नो, लोग कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाते हैं, एक्सरसाइज कम हो रहा है क्योंकि हम टीवी के सामने बैठे रहते हैं, और ये सब जो बच्चों में चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप देखोगे तो बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत हो सकती है, मतलब पहले तो अबॉर्शन रेट बढ़ जाता है जी। दूसरी चीज़ है कि डायबिटीज़ हो सकता है प्रेगनेंसी में, ब्लड प्रेशर हो सकता है, फिर डिलीवरी जल्दी हो सकती है। सो ये सब जो प्रॉब्लम है, इवन ओबीस पेशेंट्स में हम अगर सोनोग्राफी करें तो वो डायग्नोसिस बराबर, बिकॉज द फैट जो होता है जो उससे बराबर दिखता नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एंड प्रीटर्म डिलीवरी में बहुत खर्चा हो सकता है, यू नो, कि बच्चे को गर्म पेटी में रखना पड़ता है। फिर और एक प्रॉब्लम है कि उनका यू नो ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकता है, उसे हम पोस्टपार्टम हीमरेज कहते हैं, मतलब डिलीवरी के बाद जो वन ऑफ द कॉजेज है कि मैटर्नल डेथ के, वो है PPH। तो ओबेसिटी में वो उसका भी यू नो इंसिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है। तो आई थिंक हमारे देश में जैसे आप पहले बोले कि 1 out of 5 वुमेन इज ओबीज, आई थिंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टैकल करना, और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी कुछ स्टेप्स ले रहे हैं इसे, यू नो, ये भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया है कि पहले कभी किसी कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं था, बट अभी काफ़ी सारा रिसर्च हुआ है, काफ़ी सारे पेपर्स आए हैं जो बताते हैं कि जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं प्रेगनेंसी में वो सब बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, आइदर अंडरवेट या ओवरवेट होने से। तो ये ज़रूरी है कि यू नो लेडी से बात करना कि your weight should be proper, etc. So there are a lot of programs that we are doing. बिल्कुल, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। डॉक्टर मनीषा सबरवाल से जानते हैं, जब प्रेगनेंसी होती है तब महिलाएं ज़्यादा खाती हैं, उन्हें फूड क्रेविंग्स होती हैं और मीठा खाने का दिल करता है। ऐसे में कई बार ज़्यादा खाने की वजह से जो वेट उनका पहले कम होता है वो बढ़ जाता है और वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसे में आप कैसे काउंसिल करते हैं? ये जानना ज़रूरी है महिलाओं को कि पहले तिमाही में इतना अधिक खाना बढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं, और हो सकता है नौजिया, मॉर्निंग सिकनेस, इस प्रकार की भी उन्हें चीज़ें महसूस हों, तो उनको हल्का फुल्का खाना चाहिए। किस्म अपने
खाने की बढ़ानी चाहिए, फल सब्जियां, सलाद, इस प्रकार के चीज़ों का सेवन करें। जो दूसरा और तीसरा तिमाही है तब उनको अतिरिक्त ऊर्जा और प्रोटीन और आयरन, फोलिक एसिड और इन सब चीज़ों की अतिरिक्त आवश्यकता बढ़ जाती है, तब उनको सही मात्रा में और एक संतुलित तरीके से अपने आहार में बदलाव लानी चाहिए। पहले तिमाही की आपने बात की, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले तीन महीने की इन्होंने बात की, और अगले तीन महीनों में किस तरह से पोषक तत्वों वाला भोजन खाएं, कैसी डाइट हो हमारी, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं तीन एक्सपर्ट्स। आपको बता दें आप भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे स्टूडियो का नंबर है 2309-7532, और अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं या फिर मोबाइल से कॉल कर रहे हैं तो उसके आगे 011 लगाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार फिर से रिपीट करते हैं 2309-7532। डॉक्टर राहुल, जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे तो आपने एक बात उठाई कि महिलाओं को अपना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे साथ आए हैं और हमने जानने की कोशिश की कि क्या क्या सवाल हैं हमारे व्यूअर्स के, हमारे जनता के। आइए आपको भी दिखाते हैं। मैं जानना चाहती हूँ, अगर कोई बच्चा ओबीस है या लेडी ओबीस है तो प्रेगनेंसी के दौरान कोई प्रॉब्लम आती है, कैन दे कंसीव द चाइल्ड और नॉट, सो दैट इज़ वन ऑफ माई क्वेरी। एंड सेकेंडली, हम क्या कर सकते हैं कि यंग एज में ही ओबिसिटी को हम कंट्रोल कर सकें। मैं अभी सिंगल हूँ और फ्यूचर में मुझे अपना फैमिली स्टार्ट करना पड़ेगा, तो उस वजह से ओबीस की वजह से मेरे को क्या क्या, और मुझे और मेरी फैमिली को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ऐसा कहा जाता है दैट एक प्रेगनेंट औरत अगर वो ज़्यादा ओबीस है तो वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं दे पाती, सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो इफ इट्स ट्रू। हमें किस टाइप का खाना खाना चाहिए जिससे कि हम अपना वजन बढ़ने से रोक सकें। जी डॉक्टर राहुल, इन्होंने कहा कि किस तरह की डिलीवरी में हमारे प्रॉब्लम आ सकती है अगर हम मोटे हैं या हमारा मोटापा बहुत ज़्यादा है या वजन ज़्यादा है, ये बताएं। देखिए, प्रेगनेंसी के लिए तैयारी आपकी उससे पहले हो जानी चाहिए, तो उससे पहले आपका पोषण ठीक होना चाहिए, आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए, आपका वजन ठीक होना चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में वजन आपका ज़्यादा होगा तो डिलीवरी में डेफिनेटली प्रॉब्लम आ सकती है। आपका प्री टर्म, जिसे हम कहते हैं समय से पहले डिलीवरीज हो सकती है, या एक्चुअली अगर समय तक भी पहुँचे तो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डिफ़िकल्ट डिलीवरी हो सकती है, प्रोग्रेस ठीक नहीं हो सकती है, ज़्यादातर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, बेबी अगर बड़ा हो जो होने की संभावना होती है जिसे हम मैक्रोसोमिया कहते हैं, उसमें भी आपका बेबी का सर नीचे नहीं आता तो प्रोग्रेस नहीं होता, और काफ़ी हद तक हमें सिजेरियन डिलीवरी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए तैयारी बहुत पहले शुरू हो जाती है। जो हमारे मिथ्स हैं कि बहुत ज़्यादा खाना चाहिए हमें, ये ठीक नहीं है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए ये ठीक नहीं है, हमें ठीक मात्रा में ठीक चीज़ें खानी चाहिए और वेट प्रोपोर्शनेटली बढ़ना चाहिए डिपेंडिंग ऑन दी ट्राइमेस्टर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। तो जैसे हम कहते हैं कि लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं प्रेगनेंसी में, उससे प्रॉब्लम हो सकती है, ये बिल्कुल उसके विपरीत है। हमें एक्चुअली एक्सरसाइज करना चाहिए, उससे मांसपेशियां भी ठीक रहती हैं, सफल रहती हैं और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस, और जो भी चीज़ नॉर्मल है वो सबसे अच्छी है, ये मैं मानता हूँ। तो बिल्कुल एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक मात्रा में चीज़ें खानी चाहिए और वेट पर नियंत्रण होना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए अपने वेट। बिल्कुल गीताशा, मेरे ना काफ़ी पेशेंट्स इनमें ऐड करना चाहती हूँ, काफ़ी पेशेंट्स ओबीज है, मतलब ओवरवेट होते हैं, तो हमने ऐसा देखा है कि उनका जो लेबर का ड्यूरेशन होता है वो बढ़ जाता है, मतलब नॉर्मल, अगर नॉर्मल वेट की लड़की हो तो 9 घंटे में डिलीवर हो तो ये 12 घंटे में डिलीवर हो जाती है, तो वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो प्रॉब्लम महिलाओं को ही सहन करनी पड़ती है। इस पर हम चर्चा आपसे जारी रखेंगे, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, सौरभ पाठक हैं हमारे साथ कोलकाता से। जी पूछिए अपना सवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरोग्य भारत में। थैंक यू मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछे। जी मैम, आप सभी को नौ वर्ष 2020 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक यू, अपना सवाल पूछे। जी मोस्ट वेलकम मैम। मैम मेरा प्रश्न है, यदि कोई गर्भवती महिला ओबीस है तो इसका दुष्प्रभाव क्या गर्भ में पल रहे शिशु पर भी पड़ता है? थैंक यू मैम। जी बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा, जैसे माँ अगर मोटी है
तो क्या बच्चा भी मोटा होगा या फिर माँ का जो वेट है या जो और भी कंडीशंस हैं जो उनको हेल्थ कंडीशन फेस करनी पड़ रही है, डायबिटीज़, हार्ट की, जैसा डॉक्टर राहुल ने बताया, क्या उसका असर बच्चे पर भी हो सकता है? एब्सोल्युटली. आजकल ये नया हाइपोथेसिस है, बाकर्स हाइपोथेसिस हम हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं कि फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिजीज, मतलब जो आपको डिजीजेस जब आप बड़े होते हैं उसका एक्चुअली ओरिजिन आपके माँ के पेट में होता है. और कितने सालों बाद यह असर दिखता है डॉक्टर नंदिता? क्या रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च मतलब हम देखते हैं कि पहले 2 साल में अगर बच्चा ओबीज हो जी तो डेफिनेटली आगे सो असर इमीडिएटली दिखता है और कंटिन्यूस पूरे लाइफ में दिखता है. तो अगर माँ ओबीज हो तो बच्चा ओबीज हो जाता है, फिर डायबिटीज़ हो तो उसके असर अलग अलग होते हैं. जैसे राहुल ने बोला कि बड़ा बच्चा या मैक्रोसोमिया हो सकता है, उसकी डिलीवरी डिफ़िकल्ट होती है, शोल्डर्स निकलते नहीं, तो यू नो शोल्डर में कोई दिक्कत हो सकती है जब हम डिलीवरी करते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. और दूसरी चीज़ है कि जब तुम छोटे होते हो द फर्स्ट 1000 डेज जो बोलते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब कंसेप्शन से 1000 डेज तक. तब ये बच्चे का आहार, पोषण, वजन, हमको सब ठीक रहना चाहिए. हमारे पहले पुराने ज़माने में मेरे को याद है मेरा भाई को अमूल बेबी का प्राइस मिला था, तब ऐसे ही मोटे मोटे गोलू गोलू बच्चे बहुत अच्छे थे, अच्छा माना जाता था बेबी शोज में, हेल्दी माना जाता था जी. पूरा कॉन्सेप्ट अब बदल गया है क्योंकि ये लगता ये पता चला है कि अगर बच्चा मोटा होगा पहले 2 साल में तो उससे बड़े होके ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो आई थिंक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये बोले और राहुल ने बोला पहले से फोलिक एसिड, विटामिन डी और अनीमिया, अपने देश में आयरन, इस पे सब पे हम फॉक्सी काम कर रहा है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो परफेक्ट होनी चाहिए पहले महीने से. अगर उसमें कोई अप डाउन होगा या कम होगा तो उसे सप्लीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये असर होता है बच्चे के बढ़ने पर, उसके ब्रेन पर, थायराइड, एवरीथिंग, यू नो. सो द फर्स्ट 3 मंथ्स मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. बिल्कुल बिल्कुल, इस पर हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे. कॉलर्स ये कार्यक्रम देख रहे हैं और उनका हमारे साथ बहुत जुड़ाव हो रहा है, बार बार कॉल्स आ रहे हैं. तो पहले जोबन जी का कॉल आ रहा है दिल्ली से. जी पूछे अपना सवाल जोबन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. नमस्कार जी. नमस्कार, अपना सवाल पूछे. जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ, मैं कैंसर पेशेंट हूँ और मुझे हॉजकिंस लिम्फोमा डायग्नोस हुआ था जी, और मैं एक्चुअली कीमोथेरेपी पे हूँ जी. और मेरे भी मैम, मैं आपका शो देखता हूँ, रेगुलर फॉलोअर हूँ, तो भी देख रहा था मैं. मैम अभी बता रहे थे प्रेगनेंसी के टाइम क्रेविंग्स होती है नहीं जी, तो मैं मतलब ये है फीमेल के ऊपर शो, बट मेरे जैसे होता है कि कीमो के बाद मुझे भी 3-4 दिन बहुत क्रेविंग्स होती है और मेरा भी कीमो के टाइम पे 9 किलो वजन बढ़ गया है. जैसे मैं मतलब खाना नॉर्मल खा लेता हूँ ऐसे, तो मेरा वजन बढ़ गया. तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसके कारण दिक्कत हो सकती है आगे फ्यूचर में जी. और दो चीज मैं पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर मनचंदा ने जैसे अभी बोला कि मेल्स को जैसे फीमेल के प्रेगनेंसी के टाइम ध्यान रखते हैं, मेल्स को भी बहुत देखना पड़ता है, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे फ्यूचर में मैं अगर मैरिज प्लान करता हूँ तो इसका इफेक्ट जो मैं कीमो वगैरह हो रही है तो उस टाइम जैसे वाइफ पे ऐसा कोई मेरे को कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ सकती जैसे कंसीव वगैरह में कुछ ऐसा? जी थैंक यू जोबन, आपने कॉल किया और इतनी अच्छी बात पूछी. देखिए अभी इनकी शादी नहीं हुई है जैसे हमें पता चला, इनकी कीमोथेरेपी चल रही है, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है. ये चाहते हैं कि लाइफ में जब आगे ये बढ़े शादी करें तो इनकी वाइफ है वो कंसीव करेंगी, और इनके लिए क्या प्रोस्पेक्टस है अगर ये बच्चा चाहते हैं तो? मुझे बड़ी खुशी हो रही है, ये इन्होंने देखा समझा, और सबसे बड़ी बात ये इन्होंने पकड़ी कि जो हस्बैंड होते हैं या जो मेल्स होते हैं फैमिली में उनको ध्यान रखना चाहिए. एंड आई एम थैंकफुल दैट ही हैज़ गॉट दिस, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है. जहाँ तक इनका सवाल अपने ऊपर है, इनको प्रॉब्लम अगर कंसीव करते हैं तो नहीं होगी, बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इनके वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एक बारी इनकी बीमारी कैंसर का इलाज हो जाए देन देयर शुड बी नो प्रॉब्लम टू द चाइल्ड एज वेल एज टू द मदर, वो नॉर्मल होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो आमतौर पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लेडी को वो आ सकती हैं प्रेगनेंसी पे, बट उसके ऊपर नहीं. जहाँ तक इनका सवाल है कि मुझे क्या करना चाहिए, इनका भी वजन बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको जो लेडी हैं उनकी देखभाल,
शुरू से ही करनी चाहिए, देखना चाहिए कि वो खुश रहे, वो स्वस्थ रहे। देखिए मानसिक खुशी और शारीरिक खुशी और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये प्रेगनेंसी के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये हमें सोचने की ज़रूरत है। जब मैं हमें कहता हूँ तो मैं सारे मेन फोक की बात कर रहा हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उनको मानसिक और शारीरिक से दोनों चीज़ों से स्वस्थ रखेंगे, ध्यान देंगे उनका, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, जितना भी गारंटी दे सकता हूँ, कि ये आप फैमिली खुश रहेगी, स्वस्थ रहेगी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप शुरू से उनका ध्यान रखें, ये आपके लिए मैं आप एक टास्क दे रहा हूँ आपको। नए साल में हम लोग सब ये रेजोल्यूशन लें कि ये हम अपना एक प्रायोरिटी को, जो लेडीज़ हैं फैमिली में, उनको हम प्रायोरिटीज रखेंगे। जी मनीषा जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी इस फोन के आने से पहले कुछ क्वेश्चंस थे हमारे दर्शकों के, और उन्होंने पूछा कि डाइट कैसी हो, क्या कम वसा, फैट कम हो, चीनी कम हो, किस तरह की डाइट हो जिससे वजन बढ़े ही ना। और कीमो के जो पेशेंट्स हैं, जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, उन्होंने भी बोला मेरा वजन बढ़ रहा है, वो भी क्या डाइट लें, ये भी बताएं। पहला सवाल जो बात की हमने फूड क्रेविंग्स की, मीठा खाने की, ख़ासतौर पे जो मोटापे का शिकार हैं उन्हें प्राकृतिक मिठास जो खाद्य पदार्थों में है, जैसे खजूर है वो आयरन रिच है, आजकल गाजरें उनमें नेचुरल मिठास है, तो इस तरह से आप चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें नेचुरल मीठा है, जो सहज है और वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। साथ में ये जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जैसे चिप्स हैं और फ्राइज हैं और इस प्रकार की चीज़ें हैं, इनका सेवन कम करें। मीठा, बेकरी और कार्बोनेटेड बेवरेजेस अवॉइड करें। नींबू पानी लीजिए, कोकोनट वाटर लीजिए। इस तरह से हमें जो चयन है, यानी कि फूड चॉइस, इस प्रकार करनी है कि वो माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच हो मगर ऊर्जा में कम हो, यानी कि एनर्जी डेंस कम हो। और विविधता बहुत ज़रूरी है, डाइटरी डाइवर्सिटी की बात की जाती है, कैलोरीज कम हो, कैलोरीज कम हो और पोषक तत्व सब हो, यानी कि प्रोटीन अच्छा हो, उसमें रेशा हो, उसमें आयरन हो, फोलेट हो और दूसरे कैल्शियम, फॉस्फोरस, इस प्रकार जो सारे पोषक तत्व एक गर्भवती महिला को चाहिए वो उसके डाइट में हो। तो आहार में जो एक बैलेंस डाइट, जिसको संतुलित डाइट कहते हैं, वो ज़रूरी है। विविधता भी ज़रूरी है, डाइटरी डाइवर्सिटी। और इसके लिए मैं, जैसे राहुल जी ने भी कहा, डॉक्टर राहुल ने कहा कि रोल ऑफ हस्बैंड्स डाइटरी डाइवर्सिटी में, इट्स इम्पॉर्टेंट कि परिवार का पूरा सहयोग हो, क्योंकि एकल परिवार हो गए हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैव कम अप, शहरीकरण हो गया है, संयुक्त परिवार अब नहीं है, तो घर के बड़े भी नहीं हैं। सपोर्ट के लिए द वुमन डिपेंड्स ऑन द हस्बैंड, यानी कि उसके पति का दायित्व भी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फल सब्जियां और पौष्टिक खाद्य पदार्थ घर में लाए और वो पकाने में भी मदद कर सकता है और उसको खिलाने में भी मदद कर सकता है। सो दैट सपोर्ट इज़ रियली नीडेड, फिजिकल, इमोशनल, बिकॉज शी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। बिल्कुल। तो मनीषा जी, आप पोषण से रिलेटेड आपने बहुत काम किया है और पोषण की रसोई जो आजकल बड़ी चर्चा में है, तो ये बताएं कि पोषण की रसोई के लिए आज हम आप हमारे लिए क्या लेकर आई हैं। पहले हम नज़र डाल लेते हैं उस पर जो रेसिपीज हैं, आइए आपको भी दिखाते हैं कि पोषण की रसोई में आप भी शामिल हो सकते हैं, जाकर आप खुद भी बना सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर मनीषा ने कहा। आइए नज़र डालते हैं इन रेसिपीज पर। आज हम एक लो कैलोरी बिना तली हुई चाट रेसिपी बनाएंगे, जिसका नाम है अंकुरित मूंग दाल चाट। इसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो है साबुत मूंग दाल 25 ग्राम, प्याज 20 ग्राम, टमाटर 20 ग्राम, गाजर 40 ग्राम, तिल 10 ग्राम, नींबू का रस 4-5 बूंदे, नमक स्वाद अनुसार और चाट मसाला आधा चम्मच। अंकुरित दाल को मुलायम होने तक स्टीम करें। तिल को सुनहरा भूरा होने तक भून लें। टमाटर, गाजर, प्याज को बारीक काट लें। एक बर्तन में स्टीम्ड अंकुरित दाल, कटी हुई सब्जियां, चाट मसाला, भुना तिल और नमक मिला लें। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करें और मिश्रण पर नींबू की कुछ बूंदें डालें। आपकी चाट
तैयार है। इसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए, रागी 15 ग्राम, बेसन 25 ग्राम, कद्दू 20 ग्राम, उबले हुए आलू 40 ग्राम, तेल 5 ग्राम, हरी मिर्च 1/4, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च 1/4 छोटी चम्मच। उबले हुए आलू को छीलकर मसल लें। कच्चे कद्दू को धोएं, छीलें और कस लें। कसा हुआ कद्दू, मसला हुआ आलू, रागी, बेसन, नमक, लाल मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च को मिलाकर एक मिश्रण बना लें। यदि आवश्यक हो तो पानी की छोटी मात्रा लेकर मिश्रण को टिक्की का आकार दें। तवे पर टिक्की रखें और सुनहरा भूरा होने तक भूनें। दोनों तरफ से अच्छी तरह पकाएं। लौकी की बर्फी के लिए जो सामग्री चाहिए वो है लौकी 30 ग्राम, नारियल पाउडर 25 ग्राम, दूध 40 मिलीलीटर, बेसन 20 ग्राम, खजूर 10 ग्राम, तेल 5 ग्राम और एक छोटी हरी इलायची। बनाने की विधि इस प्रकार है। मध्यम आंच पर एक पैन में बेसन को हल्का भूरा होने तक भून लें। फिर उसमें नारियल पाउडर, दूध, कटे हुए खजूर और उबली हुई लौकी डालें और हिलाएं। मिश्रण को अच्छी तरह पकाएं जब तक लौकी दूध को अच्छी तरह से सोख ले और गाढ़ा मिश्रण बन जाए। इलायची को पाउडर बनाकर डालें और एक बार फिर से मिश्रण को हिलाएं। एक बड़ी प्लेट लें और तेल से उसे चिकना कर लें। फ्लेम को बंद करें और तैयार सामग्री को इस प्लेट में डाल लें। इसे कमरे के तापमान पर ठंडा करने के लिए अलग से रख दें। मिश्रण जब ठंडा हो जाए तब मन चाहे आकार में काट लें। आपकी लौकी की बर्फी तैयार है। पोषण की रसोई में काफ़ी कुछ खजाना छिपा हुआ था, न्यूट्रिएंट रिच फूड जिसे आप ले सकते हैं और जिससे वज़न भी नहीं बढ़ता। सिर्फ गर्भवती महिलाओं का नहीं, बाकी फैमिली मेंबर्स भी अपने वेट को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। डॉक्टर राहुल, आपके पास कितनी प्रतिशत महिलाएं ऐसी आती हैं जो मोटापे से पीड़ित हैं, ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी के दौरान? मेरा काम जो है वो काफ़ी स्पेशलाइज्ड है, तो इसीलिए जो मेरी जो क्लाइंटल है, जो लोग आते हैं मेरे पास, उसमें काफ़ी हद तक लेडीज़ आती हैं जिनका वज़न ज़्यादा हो। तो आप ये समझ सकती हैं कि 30-40% जो आती हैं, मगर उनको काफ़ी हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं और ख़ासकर खाने से रिलेटेड होती हैं। बट सबसे अच्छी बात है, और मैं आपको जिक्र करता हूँ, मेरी मदर भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं और उनका कहना है कि जो लेडीज़ हैं उनको अपना ध्यान बहुत इम्पॉर्टेंट है रखना, और इसके लिए सपोर्ट फैमिली का इम्पॉर्टेंट है। तो क्या खाना है, खाना ठीक मात्रे में, खाना ठीक किस्म का जो डॉक्टर मनीषा ने बताया आपको, एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्ट्रेस हम लोगों को, लेडीज़ को कम देना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस में फिर खाना अलग ख़राब होता है, ज़्यादा खाती हैं और उस वजह से पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो आप मान रहे हैं कि मोटापे से पीड़ित आती हैं, खाना ज़्यादा खाती हैं, तो कितना खाएं, जैसे डॉक्टर मनीषा ने कहा, ऑप्टिमम अमाउंट और न्यूट्रिएंट रिच फूड बहुत इम्पॉर्टेंट है ये करना, और ये हमें अपने शुरुआत से ही बिफोर प्रेगनेंसी करना चाहिए। एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक खाना और स्ट्रेस फ्री, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है हमें, और इससे फिर आगे हमारी प्रेगनेंसी में और जनरली लाइफ में काफ़ी हम लोग हद तक जो हमारी
प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज होती हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुकी है, ये भी एक कारण है। हम लोग बाहर जाते थे खेलने के लिए, आजकल वो हम कर नहीं पाते हैं, लोग आईपैड्स पे रहते हैं। तो ये सिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है उनको, एक्चुअली इन्फोर्स करना कि हफ्ते में कम से कम 5 बारी उन्होंने 5 to 6 times एक्सरसाइज करना है। और एक्सरसाइज ये नहीं कि मैं भागती रहती हूँ बच्चों के पीछे या मैं भागती रहती हूँ काम करते हुए, अपने लिए टाइम निकालना है ये करने के लिए, सो दैट वो फिट रहे। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, रोहित पाठक हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश से। जी पूछिए अपना सवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी रोहित जी सवाल पूछे, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछे। जी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। डॉक्टर नंदिता आप बताएं कि अगर कोई महिला बहुत ज़्यादा वज़न है या उस श्रेणी में आती हैं मोटापे की, ओबेसिटी की, या उन्हें मोटी कहा जाता है, ऐसे में शायद उन वो अब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, अपने कॉलर से जुड़ते हैं। जी पूछे अपना सवाल। जी रोहित जी अपना सवाल पूछे, आप हमें सुन पा रहे हैं तो। सॉरी नंदिता जी, चर्चा को जारी रखते हैं। अगर महिला मोटी है या फिर वजन ज्यादा है ऐसी सिचुएशन में भी, और वजन कम नहीं हो रहा, कुछ ऐसे इश्यूज हैं, तब भी क्या वो कंसीव कर सकती हैं या एक अच्छे से बच्चे को डिलीवर कर सकती हैं? तो ऐसे केसेस आपके पास भी बहुत आते होंगे, आप इतने सालों से इस प्रैक्टिस में हैं। आई थिंक ओबेसिटी का 2 forms होते हैं जी। कॉन्सेप्ट्स भी बदल चुके हैं कि आप वज़न ज़्यादा हो के भी हेल्दी हो सकते हो। और अगर वज़न ये है तो इंडिया में जो है, जो पेट है वो जिनका बड़ा होता है उनमें प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जिसे हम बोलते हैं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, यू नो हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो सकता है। तो डेफिनेटली जो यंग एज है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर लड़की यंग एज में प्रेग्नेंट हो, मतलब यू नो ऑफ कोर्स आफ्टर 25 to 35, तो तब वो ये प्रॉब्लम्स या ये इंसल्ट्स जो है सह सकती है, उसका शरीर इज मच स्ट्रॉन्गर टू टेक केयर ऑफ दिस। तो डेफिनेटली कंसेप्शन में तो प्रॉब्लम आजकल नहीं होता, बट अगर उसके फैट के वजह से उसके पीरियड्स इरेगुलर है, यू नो महावारी में प्रॉब्लम्स है, तो वो कंसेप्शन में डिफिकल्टी जाती है। तो हमें हम उसे बोलते हैं कि सिर्फ 5% वजन, यू नो अगर 70 किलो की लड़की होगी तो 3.5 किलो सिर्फ कम करके उसके सब जो प्रॉब्लम्स है नॉर्मली 80% लोगों में ठीक हो जाते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ है कि अगर प्रेगनेंसी डिलीवरी में, मैंने जैसे पहले बोला कि अबॉर्शंस हो सकते हैं, ये हो सकता है। दूसरी एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट हम भूल गए इज स्लीप एपनिया, मतलब नींद में वो ब्रीदिंग बंद हो जाता है, दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि वो प्रॉब्लम से आजकल स्लीप एपनिया ये एक नई डिजीज हो गई है। ये एस्पेक्ट जो है वो बहुत लोगों को पता ही नहीं है, पता भी नहीं होता है। एंड ब्रीदिंग में जिनको ज्यादा स्नोरिंग होता है उनको ये टेस्ट करनी चाहिए। और खराटे ज्यादा लेती हैं खासकर महिलाएं, स्नोरिंग प्रॉब्लम, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ विनीता जुड़ गई है दिल्ली से। जी विनीता पूछिए अपना सवाल। जी विनीता आप हमें सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछे। जी विनीता आरोग्य भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछें और अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें, सिर्फ फोन के जरिए हमसे बात करें। जी नंदिता जी आपसे चर्चा जारी रखते हैं, आपने कहा जो खराटे लेती हैं या फिर डिस्टरबेंस होती है स्लीप में, शायद बहुत सी महिलाओं को पता ही नहीं चलता कि उन्हें ये प्रॉब्लम है। yes. और ये ओबेसिटी की वजह से होता है क्योंकि नेक बहुत थिक हो जाता है जी। तो वो बंद हो जाता है और काफी स्पेल्स होते हैं जहाँ ब्रीदिंग नहीं होता है, इसलिए आजकल इस वजह से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वगैरह। सो ये सब चीज़ें रिसर्च के द्वारे आगे आ रहे हैं और हमें पता नहीं होता है। तो ये एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है कि वज़न नॉट ओनली डायबिटीज़ वगैरह हो सकता है बट ये प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। और अगर प्रेगनेंसी में स्लीप एपनिया हो तो बच्चे को अगर यू नो
बराबर नहीं मिलता हो, तो आई थिंक ये हम प्रॉब्लम्स 10 साल के बाद पता चल जाएगा कि इस वजह से ये प्रॉब्लम हो गया. तो आई थिंक वी रियली नीड टू टेक केयर ऑफ दिस, इस पे ध्यान देना चाहिए कि तो वहाँ पर भी वही बात कि वजन को नियंत्रित रखें, absolutely. उसको कम रखें, तो खराटे भी नहीं आएंगे और आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी. अब हम जानते हैं कि और क्या क्या सवाल हैं हमारे एक्सपर्ट्स के लिए. जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कुछ सवाल जानना चाहा, उन्होंने सोचा कि हम उनके आंसर्स लेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ. आइए जानते हैं. मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ओबीज हूँ तो क्या कल को मेरे बच्चे जो पैदा होंगे क्या वो भी ओबीज होंगे? क्या ओबीज महिलाओं को डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? प्रेग्नेंट औरत को ये बोला जाता है कि बटर, घी ये सब खाना चाहिए. क्या चीज़ें ये चीज़ सही है कि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? हम ओबेसिटी का शिकार ना हो हमें किस टाइप का एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए? तो ये थे सवाल और डॉक्टर मनीषा सबरवाल हमारे साथ हैं. आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर मनीषा कि वसा और चीनी, फैट और चीनी कितनी खानी चाहिए जिससे वेट मेंटेन रहे? दिन में कितनी खाएं ये ज़रूर बताएं. जी प्रतिदिन आवश्यकता जो है वो प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है, लेकिन कुल मिला के 30 ग्राम ही बहुत है विजिबल फैट, यानी कि दो बड़े चम्मच पूरे दिन में, जिसमें कि आप 25 ग्राम तेल, जैसे सरसों का तेल है, तिल का तेल है, कच्ची घानी के तेल ज़्यादा फायदेमंद है. सरसों का तेल ट्रेडिशनली यूज़ होता है, म्यूफा रिच है और महंगे तेल खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है. उस तरह से सोयाबीन का तेल भी अच्छा है, सनफ्लावर ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल ऑल्सो कॉम्बिनेशन ब्लेंड्स आर ऑल्सो देयर, ये इस्तेमाल कर सकते हैं. सिर्फ 5 ग्राम जो है मक्खन या घी काफ़ी है हमारे लिए. और शर्करा का ये है कम से कम सेवन करें अगर मोटापे का शिकार ऑलरेडी हैं, तो उसके लिए भी 20 ग्राम से ऊपर ना कंज्यूम करें, यानी कि 4 छोटे चम्मच चीनी बहुत है. कोशिश ये करें कि जो आप अनाज खा रहे हैं, गेहूं के अलावा मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, इस पे बहुत आयरन है और ये जो है अगर आप सम्मिलित करते हैं चीले की तरह या मिस्सी रोटी की तरह या बेसन में या उत्तपम में, ये जो आपको एक माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच सोर्स आपके लिए रहेंगे वो बहुत अच्छा है. पेट भी भरेगा, तृप्ति होगी, नहीं तो ये महसूस होता है पेट नहीं भरा, मैंने चपाती कम खाई. तो ये जो रेशेदार हैं और मोटे अनाज हैं जो ट्रेडिशनली खाए भी जाते थे, इनको हमें रिवाइव करने की ज़रूरत है. साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियां ज़रूर इस्तेमाल करें रोज़. चटनी भी बना सकते हैं कम नमक डाल के जी. और पुदीना बहुत अच्छा सोर्स है, धनिया पुदीना चटनी का इस्तेमाल कीजिए. और आप फल ज़रूर खाइए, 2 फल कम से कम दिन में खाएं. 2 सर्विंग्स इन अ डे जी कम से कम. और कुल मिला के 4 से 5 सर्विंग्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर डे. स्नैक ऑन फ्रूट्स जिसको हम कहते हैं अल्पाहार, आप फलों का कीजिए या अंकुरित दालों की चाट बना लीजिए, सलाद खाइए, रायता खाइए, सूप सब्जियों का पी सकते हैं, ये सब लो कैलोरी ऑप्शंस हैं. बिल्कुल, चाट पकौड़ी और जैसा आपने कहा कि जो स्मॉल पील्स हैं उनमें आप पोषक तत्वों से भरा फल या कोई भी ऐसा डाइट लें जो आपका वेट ना बढ़ाए. हमारे साथ विनीता जुड़ गई हैं फिर से एक बार. जी पूछिए अपना सवाल. जी अपना सवाल पूछिए हमारे डॉक्टर से. जी विनीता जी अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें. जी विनीता जी अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें, फोन के जरिए बात करें. जी ये मेरी बेटी है 29 ईयर की. जी कितने साल की है आपकी बेटी? 29 ईयर की. पहले उसने प्रेग्नेंट हुई थी तो किया था जी. लेकिन 8 वीक तक उसके बेबी की धड़कन नहीं हुई, डॉक्टर ने बताया जेनेटिक प्रॉब्लम है जी. अभी उसको अगेन प्रेग्नेंट होने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे? जी आप तीनों डॉक्टर राहुल इनको जो है सबसे पहले तो गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए अपने, जो कि वो टेस्ट कराएंगे कुछ उनको देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, हो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इनके वजह से ये चीज़ हुई हो उनको. और फिर मेरे ख्याल से उनको काउंसलिंग की भी ज़रूरत हो सकती है जेनेटिसिस्ट से. एक बारी ये सारी चीज़ें
उन्होंने कर ली, डायग्नोज कर लिया प्रॉब्लम, फिर उसके बाद प्रॉपरली प्लान करें अपने नेक्स्ट प्रेगनेंसी को और सारे प्रिकॉशंस लें. अगर हम डाइट से, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम डाइट से है, तो डेफिनेटली जो चीज़ जिन चीज़ों का हमने जिक्र किया है अभी कि हेल्दी डाइट, कंसेप्शन से पहले उनको ठीक पौष्टिक आहार, फोलिक एसिड एक चीज़ होती है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, 3 महीने पहले से उसको लेना, और अपने गायनोकोलॉजिस्ट से और हेल्थ केयर प्रोवाइडर से संपर्क रखें और बहुत क्लोजली उसको निगरानी में रखें. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है चीज़ें करने के लिए. और फिर आई एम श्योर, मुझे काफ़ी विश्वास है कि आगे एक नहीं काफ़ी बच्चे होंगे उनके. जी, और अभी उनकी उम्र सिर्फ 29 ईयर्स ओल्ड है, जैसा उन्होंने कहा, विनीता जी की बेटी हैं. बट बहुत अच्छा है कि ये फैमिली का सपोर्ट हो, फैमिली का सपोर्ट, और ख़ासकर मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, हस्बैंड का सपोर्ट इस दौरान बहुत ही मायने और इम्पोर्टेंट रहता है, जो कि हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. जी डॉक्टर मनीषा, कुछ मिथ्स भी हैं कि पपीता नहीं खाना चाहिए, उससे अबॉर्शन हो जाता है, या फिर अंडे ना खाएं प्रेगनेंसी में, ऐसे और बहुत सारे मिथ हैं, उनको कैसे लगाम लगाई जाए और क्या ये प्रेगनेंसी में खा सकते हैं? कच्चा पपीता जो है ट्रेडिशनली माना जाता है कि नुकसान पहुंचा सकता है. जी. तो अनलेस वी हैव अ वेरी साइंटिफिक रिसर्च ऑन इट, वी शुड नॉट से कि ट्रेडिशन गलत है. पका हुआ पपीता नुकसान नहीं पहुंचाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर. अंडा अब रिकमेंड किया जाता है, अंडे जैसी जैविक मूल्य जिसको बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ द प्रोटीन इज़ वेरी गुड, तो अंडा रोज़ ज़रूरी खाएं, क्योंकि मांसाहारी जो हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है. बाकी चिकन, मीट, फिश और द वाइट मीट्स, वो कम कैलोरी वाले होते हैं, वो ले सकते हैं, लेकिन अंडे का सेवन अब हम रिकमेंड कर रहे हैं सभी को, और वो एक बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, और उसकी बढ़ी हुई आवश्यकता 23 ग्राम प्रोटीन अतिरिक्त तो उसको चाहिए जो नॉर्मल सामान्य के एडिशनली, सो वो उसको उससे अच्छी मिल सकती है. डॉक्टर मनीषा, अंडा जो आपने कहा वो योक के बगैर खाएं या योक जर्दी के साथ खाएं? नहीं नहीं, पूरा खाएं. योक में तो प्रोटीन मिलेगा, विटामिन ए मिलेगी, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं. सो ये भी मिथ है कि छोड़ दें, वो नहीं है. अब कोलेस्ट्रॉल और डाइट का भी एक नए जो शोध से यही पता चला है कि इट्स नॉट रियली इम्पैक्टिंग. उससे हमें ये नहीं है कि हम एक्सेस करें, लेकिन मॉडरेशन में फायदेमंद है. डॉक्टर नंदिता, एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है थ्रू आउट प्रेगनेंसी. क्या कुछ केसेस ऐसे बढ़े हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, जैसे डॉक्टर मनचंदा ने कहा कि सोशल मीडिया पर हम बैठे रहते हैं, अपना टाइम भी बहुत वेस्ट करते हैं और उससे कई बार हमें कुछ मिलता भी नहीं है, लेकिन जब प्रेगनेंसी की बात होती है तो वहाँ पर इस चीज़ का कितना असर दिखाई देता है कि सीजरियन डिलीवरी ज़्यादा हो रही हैं या फिर प्रॉब्लम्स आ रही हैं डिलीवरी में, तो एक्टिव होना कितना ज़रूरी है? सी, जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो 2 टाइप के पेशेंट्स आते हैं. एक मतलब जो बिल्कुल कुछ नहीं करते, सेडेंट्री होते, तो हम उन्हें काउंसलिंग करते कि रोज़ आप 5 मिनट चालू करो. मतलब चालू, अगर कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करते होगे तो रोज़ 5 मिनट चालू करो और हर हफ्ते 5-5 मिनट बढ़ा दो और 30-40 मिनट्स करो एक्सरसाइज. वो बोलते, जो लड़कियाँ चलती है, यू नो, एवरी डे दे वॉक 1 आवर, नॉर्मल डिलीवरी उनमें बहुत ईजिली हो जाती है घर के काम करने के अलावा. देन जो लोग पहले से थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं तो उन्हें हम योगा और एंटीनेटल एक्सरसाइजेस के लिए भेज देते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, पोजीशंस वगैरह सिखा देते हैं. और जिनका वज़न ज़्यादा है उनकी डिलीवरीज में मैंने देखा है कि अगर वो बैठ के डिलीवरी करें, यू नो, पोजीशन बदलना बहुत ज़रूरी है. इफ़ दे ऑन द बैक, डिलीवरीज में काफ़ी दिक्कत हो जाती है, बट बैठ के डिलीवरी करें तो उनका सब फोर्स अंदर जाता है. एंड जैसे पहले मैंने बताया है कि एब्डोमिनल कोर मसल का स्ट्रेंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो जब आप कभी भी एक्सरसाइज नहीं करते हो तो उससे बहुत दिक्कत होती है, तो सिजेरियन रेट डेफिनेटली बढ़ जाता है जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, वज़न बढ़ता है. बट अगर आप
प्रेगनेंसी में चालू करो तो 5-5 मिनट करके 30-40 मिनट्स करोगे तो बहुत सारा डिफरेंस होगा. और मेरे पास आजकल बहुत सारी लेडीज आती है जिनका वजन 3 किलो या 4 किलो ही बढ़ता है. तो मुझे वो पूछते हैं मैडम वजन कैसे बढ़ाए, 10 से 12 किलो तो होना चाहिए. तो मैं उनके इतना इम्पोर्टेंस देती हूँ कि देखो हम सोनोग्राफी से वजन कितना है बच्चे का वो जाँच कर लेते हैं. आपका बच्चा सही ग्रो कर रहा है तो यू डोंट हैव टू वरी. आपका वजन ना बढ़े, बच्चे का वजन जितना है वो पर आप ध्यान देते हैं. और बहुत अच्छी बात आपने कही कि अपने आप को किस तरह एक्टिव रखें, पोजीशन कैसी हो और बच्चे की पोजीशन भी ठीक हो, लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है. कई बार हमें योग की तरफ हम जाते हैं और उसके लिए आजकल बहुत सारी अवेयरनेस है, तो योग से अपने आप को किस तरह से निरोग रखें आइए देखते हैं. आज के हमारे योग सेक्शन में हम कुछ ऐसे आसनों के बारे में बताएंगे जो खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए लाभदायक हैं. बद्ध कोण आसन, इसे तितली आसन भी कहा जाता है. रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, घुटनों को मोड़ें और दोनों पैरों को सेंटर की ओर लाएं ताकि पांव के तलवे एक दूसरे को छूते रहें. दोनों हाथों से अपने दोनों पांव को कसकर पकड़ लें. एड़ी को जांघों के जितना करीब हो सके लाने का प्रयास करें. लंबी गहरी सांस लें. सांस छोड़ते हुए घुटनों एवं जांघों को फर्श की ओर दबाएं. तितली के पंखों की तरह दोनों पैरों को ऊपर नीचे हिलाना शुरू करें. धीरे धीरे गति बढ़ाने का प्रयत्न करें. लंबी गहरी सांसें लेते रहें. सांस छोड़ते हुए धीरे से मुद्रा से बाहर आएं. यह आसन कमर और पेट और जांघ के बीच के भाग में लचीलेपन में सुधार लाता है और साथ ही प्रसव को आसान बनाता है. उपविष्ट कोण आसन, सबसे पहले बैठ जाएं, फिर पैरों को इस तरह फैलाइए कि वे आपके पेल्विक के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएं. लंबी गहरी सांस लें और रीढ़ की हड्डी को सीधा करें. अपनी हथेलियों को फर्श पर रखें. लंबी और गहरी सांस लेते रहें. धीरे धीरे अपने हाथों को सामने की तरफ लाएं. फिर सांस छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं. यह आसन पूरे पेट के क्षेत्र में सर्कुलेशन और समग्र शरीर के लचीलेपन में सुधार लाता है, जिससे प्रसव में आसानी होती है. अब जो आसन आपको दिखाएंगे वो एक बहुत आसान आसन है और गर्भवती महिलाओं के लिए लाभदायक है. इससे शरीर को भी आराम मिलता है. लेफ्ट साइड की ओर मुंह करके लेट जाएं. अपने दोनों पैरों को एक दूसरे से अलग रखें. उसके बाद कुछ मिनटों के लिए धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें. तो ये तो था योगासन जिससे हमने जाना कि अगर प्रेगनेंसी में आप इनको आराम से कर सकते हैं, लेकिन किसी चिकित्सक की गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लें और अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप योग को अपने पूरे दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं. डॉक्टर मनीषा, ये व्यायाम की हम बात करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी की, वो कितनी देर दिन में करना चाहिए एक प्रेगनेंट वुमन को? जी 20 से 25 मिनट कम से कम प्रतिदिन जी. हल्के फुल्के व्यायाम करें या योग भी कर सकते हैं जिस प्रकार के आसन बताए गए. सबसे सुरक्षित जो विकल्प है वो सैर करना है. सो सैर करेंगे, ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है. और इसमें मैं फिर से यही कहूँगी कि परिवार का सहयोग, अकेले हो सकता है महिला ना जाना चाहे या सेफ स्पेसेस ना हो जी. तो उनका साथ दें, परिवार के सभी लोग और हस्बैंड स्पेशली उनके साथ जा सकते हैं. सुबह की सैर बहुत अच्छी है, बागीचे में या शाम के समय टहलना उनके सेहत के लिए फायदेमंद है जी. अगर कोई क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकती, आपने जैसा कहा कि अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग्स सिक्योरिटी रीजन से नहीं जा पाते हैं, तो दिन में करें और अपने हस्बैंड का साथ लें. डॉक्टर नंदिता, मोटापे की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं प्रेगनेंसी में, जैसे बीपी, थायराइड और किस तरह की दिक्कतें पेश आती हैं? आई थिंक
बच्चे में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमने तो लेडी में डिस्कस की है, बट बच्चे में भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. मतलब जैसे बहुत बड़ा बच्चा हो सकता है, या कभी कभी बहुत छोटा हो सकता है, उसे हम ग्रोथ रिटार्डेशन बोलते हैं, एंड वो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी के वजह से हो सकता है. तो और ये जब ये बच्चा बॉर्न हो जाता है तो ओबेसिटी कंटिन्यूस रह जाती है. सो अगर माँ मोटी होगी तो बच्चा भी मोटा रहता है, और फिर उसके और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जब डिलीवरी के वक्त सांस लेने में वगैरह, ये सब तकलीफ़ें हो सकती है. तो आई थिंक ओबेसिटी का असर मदर पे और बच्चे पे दोनों पे होता है. तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि यू नो हमारा देश डायबिटिक कैपिटल है. तो मेटाबॉलिज्म जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है, दैट इज़ द प्रॉब्लम. तो ये डाइट बदलना चाहिए, जैसे मनीषा ने कहा था कि डाइवर्सिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और मुझे लगता है कि जो हम फॉक्सी से कर रहे हैं कि एडवोकेसी और एजुकेशन, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यंग गर्ल्स को टारगेट कर रहे हैं, एडोलेसेंट एज ग्रुप, मतलब 13 से 16 या 17 एज के. हम उनके स्कूल्स में जाते हैं, हम उनके कॉलेजेस में जाते हैं, और उन्हें हाइजीन, न्यूट्रिशन वगैरह पे लेक्चर्स देते हैं, उन्हें अवेयर करते हैं कि बाबा अनीमिया बहुत अपने देश में प्रॉब्लम है, 80% लड़कियों में अनीमिया है, तो अनीमिया कैसा दूर रखे, पौष्टिक आहार कैसा ले, एक्सरसाइज, यू नो कैल्शियम हमारे डाइट में बहुत कम है. तो ये सब एजुकेशन हम यंग गर्ल्स को दे रहे हैं. बिल्कुल. तो उससे वो अच्छी माँ बनेगी एंड फ्यूचर जेनरेशंस विल चेंज. बिल्कुल. और देश के लिए भी बहुत अच्छा है. डॉक्टर राहुल, जो महिलाएं मोटी हैं या वज़न ज़्यादा है या कोई भी हेल्थ कंडीशन है, थायराइड है, लेकिन फिर भी वो कंसीव करना चाहती हैं, माँ बनना चाहती हैं, उनके लिए क्या कहेंगे, किस तरह से अपने वेट को मेंटेन रखें या कम करें? मिशन पोषण देखें जी. आपका कार्यक्रम देखें जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है. और मैं कमेंट करना चाहता हूँ मनीषा जी और उनकी पूरी टीम को, फॉक्सी जिसका आज स्थापना दिवस भी है बाय चांस, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और ये जारी रखना चाहिए. यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते रहें, अपने डॉक्टर से मिलें और शुरुआत से ही प्लान करें. प्लान करें बिफोर वॉन्टिंग द प्रेगनेंसी कि हम कैसा खाएं, वेट अपना ठीक रखें, एक्सरसाइज करें. प्रेगनेंसी मर्ज नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं है. उसको वैसे लें और सारा अपना काम करें. मेरी मदर हैं, मेरी वाइफ हैं, जो वो एंड तक काम करती हैं. सो आफ्टर दैट इट्स ओनली लेटर ऑन यू स्टॉप वर्क एंड यू वंस यू डिलीवर द बेबी एंड देन यू गो अहेड. बट इट्स नॉट अ बीमारी, ये बीमारी नहीं है. इसमें उनको हेल्दी खाना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए और सपोर्ट फैमिली का मैं फिर बोलूंगा बहुत इम्पोर्टेंट है. बहुत ही एक अच्छी बात आपने कही. बाकी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना, आइए एक नजर डालते हैं. मोटापे से जो ग्रस्त लोग हैं उनको सबसे पहली चीज तो है कि आप अपने खान पान का ख्याल रखें, क्योंकि उचित मात्रा में होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट कम होना चाहिए थोड़ा. और प्रेगनेंसी में अगर मोटापा है तो उसमें खाने का ध्यान इस तरह रखा जाए कि जो प्रेगनेंसी के समय जो वज़न बढ़ता है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े. डाइट और एक्सरसाइज, ये दो चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी हैं. उसके साथ स्ट्रेस, आप तरीके अपनाइए जिससे आपको किसी तरह का स्ट्रेस ना हो या स्ट्रेस है तो वो दूर हो. इंश्योर दैट यू डू वन कैरेट एंड वन क्यूकम्बर एवरी डे. वन कैरेट, वन क्यूकम्बर, वन बीटरूट और वन टोमेटो, यू नो एटलीस्ट थ्री ऑफ दीज शुड बी देयर एवरी डे. वी इंश्योर दैट दे हैव अ सीजनल फ्रूट एवरी डे. वी इंश्योर दैट दे हैव अ लीफी ग्रीन, वन सर्विंग ऑफ लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एवरी डे. A lemon or an amla every day. This is the bare minimum. So, and a handful of nuts or seeds or chana on a daily basis. So, I feel that timing of food is very important. Women must meet, I think this is for everybody, but particularly in pregnancy because digestion undergoes an issue, is a problem. So, eating in time and eating small frequent meals and avoiding large meals is also critical. Lifestyle ki jyada problem hai, to aapko apna
अभी से ही लाइफस्टाइल शुरू कर देना चाहिए चेंज, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं तो अब नहीं तो कब? तो कब का मतलब है आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से लगभग साल पहले या उससे भी और पहले करें, प्रेगनेंसी में रखे रखें और अपने बच्चे को भी एक्टिव लाइफस्टाइल और अपने पार्टनर को, हस्बैंड को भी एक्टिव लाइफस्टाइल रखिए ताकि आपको लगे आपके साथ कोई है। एडवाइस यही देते हैं कि उसे बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और जितना हो सके प्रोसेस फूड अवॉइड करते हैं, बिकॉज प्रोसेस फूड जो होता है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। उन्हें अंकुरित दालें खानी चाहिए, हरी सब्जियां, दूध, अंडा और ये सब चीज़ें इस तरह से खाएं कि फ्रेश हों। तो ये थे गोल्डन वर्ड्स हमारे एक्सपर्ट्स के, किस तरह से मिशन पोषण अभियान को आगे लेकर जाएं और अपना ख्याल रखें। हमारे पास समय बहुत कम है, जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ बैठे हैं उनसे हम अनुरोध करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि क्या मैसेज आप देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं। डॉक्टर राहुल मनचंदा, खुश रहें, अपने पहले से प्लान करें अपने आप को, तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, मानसिक संतुलना, स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी और लाइफ, खाने में अच्छा खाएं, ठीक मात्रा में खाएं और एक्सरसाइज एंड तक ये करना बहुत ज़रूरी है, ना ही प्रेगनेंसी के लिए पर पूरी ज़िंदगी में ठीक रहने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी डॉक्टर नंदिता, आई थिंक ओबेसिटी से आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जाते हो, मतलब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो अगर आप ओबीस हो और प्रेग्नेंट हो तो रेगुलर चेकअप बहुत ही ज़रूरी है एंड स्टेप्स जैसे एक्सरसाइज और डाइट इंक्लूडेड एंड वेरी वेरी केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ मदर एंड बेबी बहुत ज़रूरी है, रेगुलर चेकअप जी हर महीने का। जी डॉक्टर मनीषा सबरवाल जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि गर्भवती महिलाओं को संतुलित आहार लेना है, आहार में विविधता होनी चाहिए, तीन मुख्य मील, नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन, साथ में दो अल्पाहार बहुत ज़रूरी हैं। ध्यान ये रखें कि जो मोटापे से ग्रस्त हैं वो कम कैलोरी के अल्पाहार लें, डोंट स्नैक ऑन चिप्स एंड बर्गर्स एंड फ्राइज, स्नैक ऑन फ्रूट्स, हाँ, और पौष्टिक खाएं, प्रिजर्वेटिव वाली चीजें ना खाएं और रफेज ज्यादा खाएं जैसा आपने कहा। हमारे पास समय बहुत कम है लेकिन आपने जिस अपना कीमती वक्त दिया, इतनी दूर दूर से आप लोग आए हैं और मिशन पोषण अभियान के तहत आपने जो इतनी कीमती सलाह दी है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राहुल मनचंदा, डॉक्टर नंदिता पालशेतकर और डॉक्टर मनीषा सबरवाल, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में ये बात निकल कर आई है कि किस तरह से अपनी डाइट को ठीक रखें, स्ट्रेस फ्री रहें, खुश रहें और प्रेगनेंसी को कोई बीमारी ना समझें, साथ ही एक्टिव रहें, कोई भी एक्टिविटी जो आपके वज़न को नियंत्रित रख सकती है उसको ज़रूर करें और अपना ख्याल रखें। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है arogyabharatddk@gmail.com, arogyabharatddk@gmail.com। फिलहाल आरोग्य भारत की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।